अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अनंतनाग। आज हम आपको अनंतनाग दिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। सो लेट अस स्टार्ट आवर व्लॉग। मिलते हैं बिजबिहारा में। अभी हम पहुँचे हैं टोल प्लाज के पास, जो नेशनल हाईवे चुरसू में पड़ता है। अभी यहाँ से अनंतनाग तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अब हम आपको बिजबिहारा में मिलेंगे। ये देखो, ये टोल प्लाज़ा है। अभी हम मौजूद हैं बिजबिहारा में। यहाँ एक मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट है, जिसको दाराशिकोह के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आपको दाराशिकोह दिखाएंगे। पहले हम दो टिकट्स लेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे, फिर आपको दाराशिकोह दिखाएंगे। अभी हम आए हैं दाराशिकोह के अंदर। जैसे कि आप सबको पता है, ये बिजबिहारा में मौजूद है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तकरीबन ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है। आज हम आपको बताएंगे दाराशिकोह के बारे में। इसको दाराशिकोह क्यों नाम रखा गया है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दाराशिकोह इसलिए नाम रखा गया है, आप सबको पता है पहले कश्मीर में मगल्स का रूल चलता था। उनमें से एक मगर रूलर शाहजहाँ था, उसका एक बड़ा बेटा था दाराशिकोह। इसी के नाम से इस गार्डन को दाराशिकोह रखा गया है। इसकी ख़ास बात यह है, इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 300 प्लस चिनार मौजूद है, जो मगल्स ने ईरान से लाए हैं और इस गार्डन में लगा दिए। इसीलिए इसको टाउन ऑफ चिनार